एटमॉस्फेयर 2016 के इस अध्याय में होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के तहत आज आप सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड फाइल में किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रखी है और आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पर भी हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना होगा। फॉर्मेट पेंटर से यह काम कुछ ही सेकेंड्स में आसानी से हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं। हमने इस वर्ड फाइल के ऊपर के हिस्से में कुछ टेक्स्ट लिखकर उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है और नीचे के हिस्से में बिना फॉर्मेटिंग किया हुआ टेक्स्ट लिखा है। सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन जो कि हिंदी में लिखी हुई है उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करते हैं। उसके लिए हम चाहें तो उसका एक लेटर या एक वर्ड या फिर पूरी लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये वर्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका फॉर्मेट कॉपी करने के लिए होम टैब के अंतर्गत दिख रहे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे वाले सेक्शन में जिस भी लाइन को वो सेम फॉर्मेट देना है उसे सिलेक्ट करें। ये देखिए, हमने जिस लाइन को सिलेक्ट किया था उस पर ऊपर वाला फॉर्मेट कॉपी हो गया है। आइए अब हम आपको फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की बता देते हैं। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हमने ये सेंटेंस सिलेक्ट कर लिया है और अब उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और सी कीज प्रेस करेंगे, इससे ये फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। अब नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करें। ये देखिए, दोनों लाइंस के फॉर्मेट सेम हो गए हैं। अब यदि आपको पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग सेम करना हो तो उसके लिए जिस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चाहिए उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ में कहीं भी तीन बार जल्दी से क्लिक करें और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। अब जिस पैराग्राफ पर यह फॉर्मेटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करें। ये देखिए, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। पर इस पैराग्राफ में फॉर्मेट पेंटर पर जो अलग टाइप की फॉर्मेटिंग थी, यानी जो फॉन्ट कलर अलग था, वो कॉपी नहीं हुआ है। इसके लिए इस वर्ड को सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट पेंटर का उपयोग दोबारा करना पड़ेगा। ऊपर वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि लास्ट की तीन लाइंस पर बुलेट्स लगे हुए हैं और टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है। ये फॉर्मेट अगर हमको नीचे चाहिए तो उसके लिए किसी एक लाइन या इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। अब यहाँ नीचे इन तीनों लाइंस पर हमको बुलेट्स चाहिए तो उसके लिए इन्हें सिलेक्ट करें। ये देखिए, इनकी फॉर्मेटिंग भी अब ऊपर वाले सेक्शन की तरह हो गई है। इसमें बुलेट्स भी आ गए हैं और टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अब हम अगर किसी और जगह पर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। वापस उसको यूज करने के लिए आपको फिर से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके और वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। पर इसका एक और तरीका है। आप चाहें तो फॉर्मेट पेंटर को अलग अलग जगह कई बार यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना होगा। यह हमारा नीचे का सेक्शन में जो हमने अभी चेंजेस किए थे, जो फॉर्मेटिंग की थी, हम उसको हटा रहे हैं और यहाँ पर हम करके देखते हैं कि किस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। ये वाली फॉर्मेटिंग हमको चाहिए तो हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसका उपयोग कितनी भी बार किया जा सकता है। अब ये हमने पहली लाइन पर इस फॉर्मेटिंग को कॉपी किया। ये देखिए, ये ऊपर वाली फॉर्मेटिंग इस लाइन पर आ गई है और इसके बाद भी फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन हमारा अभी भी सिलेक्टेड है। तो अब अगर हम दूसरी लाइन को भी वैसा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं।
तीसरी लाइन को हमको अगर वैसी फॉर्मेटिंग में लाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, और भी जितनी बार चाहें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भी फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन चालू है, तो इसको कैंसिल करने के लिए स्केप की दबानी होगी। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ हो गया है। MS Word 2016 के इस अध्याय में होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।